प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा शिवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नावा शिवा अटल सेतु रखा गया है। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल का शिलान्यास किया था। अटल सेतु का निर्माण 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से किया गया है। ये पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और करीब 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। ये देश का सबसे लंबा पुल है। ये मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। ये मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। अटल सेतु आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अटल सेतु के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूं और भारत के लोगों को MTHL प्रदान करता हूं। ये एक ऐतिहासिक दिन है। ये हमारे निर्णय का उदाहरण है कि विकास के लिए हम समुद्र से भी लड़ सकते हैं। हर परियोजना देश के विकास के लिए है, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मैंने इसका शिलान्यास किया था। मैंने शिवाजी को याद किया था और उस समय मैंने कहा था कि विकास कार्य होकर रहेगा और आज ये परियोजना पूरी हुई। मुंबई और नवी मुंबई की दूरी सिर्फ 20 मिनट में इस पुल के जरिए तय हो सकेगी। अभी 2 घंटे का वक्त लगता था। अटल सेतु से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी भी मिलेगी। मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। इस पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करने की अनुमति है। समुद्री ब्रिज पर भारी वाहन, बाइक, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर की अनुमति नहीं होगी।